एमपी के रीवा में झूठी रिपोर्ट की शिकायत को लेकर एसपी कार्यालय के पास कमिश्नर कार्यालय के सामने जमकर हुई मारपीट, जिसका लाइव वीडियो प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज आपको दिखा रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से रीवा में दर्जन भर उपद्रवी एक शिकायत को लेकर एक व्यक्ति की जमकर धुनाई की। इसका आप लाइव वीडियो देख सकते हैं। आपको बता दें कि रीवा शहर में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह एसपी ऑफिस के सामने ही गंभीर वारदात को भी अंजाम देने से नहीं रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रीवा शहर के एसपी ऑफिस के ठीक सामने शिल्पी प्लाजा के पीछे शाम 5 बजे के करीब एक लड़के को 10 से 15 की तादाद में असामाजिक तत्व भरे समाज मारपीट करने का हौसला दिखाते हैं और लोग मूक दर्शक बनकर रह जाते हैं। लोग करे भी तो क्या करे, जब अपराधियों पर पुलिस का इतना भी खौफ नहीं कि सामने एसपी ऑफिस है, इसके बावजूद घटना को अंजाम देने में तनिक भी परहेज नहीं करते। पीड़ित रीवा शहर के शिवाजी नगर का रहने वाला है और झूठी गवाही के शक के आरोप में इन लोगों ने उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित द्वारा इसकी शिकायत संबंधित थाने में कर दी गई है। अपराधी नामजद है, फिर भी अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए रीवा से क्राइम रिपोर्टर रोहित पाटिल की खास रिपोर्ट। घटना हुई तुम्हारे साथ? सर, मैं गांव से आया था सामान लेने के लिए यहाँ शिवाजी नगर। तो सर, यहाँ पे सीधे प्लाजा बी ब्लॉक ए ब्लॉक के पीछे गया तो कुछ लड़के आए तो मेरे को मारे पीटे, मेरा पैसा भी छुड़ा ले गए 15,000 रुपये। फिर उसके बाद में यहाँ पहचानते हो आप उनको, कौन है वो? जी सर, मंटू मिश्रा, अमन ठाकुर, शिवम पांडे, रितु उर्फ रितेश ठाकुर, अमन ठाकुर, फैजल खान और कौन सा आदर्श पांडे, मैदानी, आशीष सर, कुछ करहिया के हैं, कुछ ढेकहा के हैं और कुछ यहीं जयस्तम के हैं, कुछ ये विंध्या हॉस्पिटल के पीछे। ये काहे के लिए तुमको मारपीट कर रहे थे? सर ये बोले कि तुम मतलब कोई रिपोर्ट उनकी हुई होगी तो उसमें बोले तुम वो गवाही हो और मैं गवाही नहीं था और मेरे को ऐसा कुछ कोई घटने के बारे में जानकारी नहीं थी। जी सर, थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी थी? जी सर, दर्ज हो गई। कहाँ पे रहने वाले हो? यहीं सर शिवाजी नगर के। थाना क्या लगता है? थाना सर चुराहटा लगता है। कितने बजे की घटना ये? सर शाम को 5:30 बजे।